बेस ईयर दिया है P0 Q0 जो भी चीजें बेस ईयर की रहेंगी वहां पे प्राइस और क्वांटिटी के साथ में लग जाएगा हमारे लिए जीरो, और जो भी करंट ईयर रहेगा चालू वर्ष है उसमें क्या लग जाएगा प्राइस के साथ और क्वांटिटी के साथ में वन लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जितना क्वेश्चन था उतना पहले एज इट इज हम लोग क्या करेंगे आंसर में उतार लेंगे, उतारने के बाद चेक करेंगे हमारे पास जो लेसपियर का है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके कैलकुलेशन जमेगा, नहीं तो आंसर कभी भी निकलेगा नहीं, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। अब देखो जो चीजें फॉर्मूले में उसने पूछी है क्या क्या चीज पूछा है, P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। अब P1 Q0 हमको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें पूछा है उसका कॉलम बनाना पड़ेगा, P0 Q0 पूछा है तो उसका भी कॉलम बनाना पड़ेगा। अब कॉलम बना लिए तो हमको आंसर निकालना पड़ेगा, तो मेन क्या करेंगे हम लोग P1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q0 से, तो ये P1 है और ये Q0 है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा हमारे लिए 120। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा हमारे लिए 100 आ जाएगा। ठीक है, 86 कितना आ जाएगा हमारे लिए 480 480 आ जाएगा, और 44 कितना आ जाएगा हमारे लिए 160। ये आ गया निकल गया, अब क्या करेंगे इसकी टोटल निकालेंगे हम लोग, तो समेशन आएगा P1 Q0, बताओ कितना आ रहा है समेशन P1 Q0 860। ठीक है, ये 860 हमारे लिए वैल्यू निकल गई P1 Q0 की। अब मेन चीज हमारे लिए निकालना है दूसरा कॉलम P0 Q0, तो ये Q0 और P0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 510 कितना जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 48 कितना जाएगा हमारे लिए 320। ठीक है, यहां पे 320 आ जाएगा, और 43 कितना जाएगा हमारे लिए 120। ठीक है, ये निकल चुके हैं हमारे फिगर्स। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, टोटल समेशन P0 Q0 इसकी टोटल निकालेंगे, कितना आ रहा है बताओ 570। ये निकल गया हमारे लिए टोटल। अब टोटल निकल गया, फॉर्मूले में डाल देंगे P0 Q0 कितना निकला है हमारे लिए 860, डिवाइड कर देंगे हम लोग 570 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक एक जीरो हमने कर दिया कैंसिल। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है बताओ यहाँ पे 150.87% परसेंटेज क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है इसके लिए इसको परसेंटेज में लिखना पड़ेगा। समझ गया, ये बेसिक प्रॉब्लम था। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट इयर्स के बाद पासिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहले ये चीजें लिख लो। ठीक है,